हेलो बच्चों, ये सेकंड वीडियो है लेसन 5 द वे द वर्ड्स वर्ड लुक्स का। इसमें अब आगे हम देखते हैं कि हु इज़ दैट ऑन द रेलवे ट्रैक। कप्पू सोच रहा है कि ये कौन है जो रेलवे की ट्रैक पर दिख रहा है। नीचे उसने देखो, उसको नीचे क्या क्या दिख रहा है। इतना ऊपर वो घर के पास उड़ चुका है कि उसको रेलवे लाइन सब कुछ दिख रही है। तो रेलवे की लाइन पर उसने देखा कि अरे ये कौन है, क्या दिख रहा है। तो उसने देखा, बोला, अरे ये तो वह मोटी बिल्ली मोंटी है। अब इज इट दैट फैट कैट मोंटी, क्या ये वो मोटी बिल्ली मोंटी है। हा हा हा, फ्रॉम हियर इट लुक्स लाइक अ बिग वाइट माउस। मैं इतने ऊपर से देख रहा हूँ कि वो मुझे एक छोटी सफ़ेद चूहिया दिख रही है। फिर उसने कहा कि ये जो बाजू में बना हुआ है, ये लग रहा है कि ये जरूर गुरुद्वारा होगा जिसमें अमरजीत रोज जाता है। अब ये जो छोटा चूहा है ये बोलता है गप्पू कि आई डिड नॉट नो देयर इज अ स्वीट शॉप हियर। अब मुझे तो नहीं पता कि यहाँ पे कोई मिठाई की दुकान है या नहीं। अम्मी, इमेजिन हाउ योर क्लास लुक्स फ्रॉम अबव। ट्राई टू ड्रॉ इट एंड मार्क द बेंचेस, ब्लैकबोर्ड, डोर्स एंड विंडोज। इस क्वेश्चन में कहा है कि आप इमेजिन करो, यानी सोच कर देखो कि जो आपका क्लासरूम है वो ऊपर से कैसे दिखता होगा। यदि आप भी उड़ पाओ इस गप्पू की तरह तो ऊपर से कैसी दिखेगी आपकी क्लास, यानी छत मान लो हटा दें तो, या आप छत तक उड़ जाओ तो ऊपर से कैसे दिखेगी, सामने से आपको कैसे दिखती है, ऊपर से कैसे दिखेगी। यानी आप फ्रंट व्यू देखते हैं, साइड व्यू देख पाते हैं नीचे खड़े होकर, लेकिन यदि आप उड़ पाते तो आप टॉप व्यू देख पाते। तो ट्राई टू ड्रॉ एंड मार्क द बेंचेस, तो आप ऐसे टॉप व्यू को ड्रॉ करने की कोशिश करो कि इसको बेंचेस को, ब्लैक बोर्ड को, डोर को। अब ब्लैक बोर्ड जो है वो सामने से देखो तो बिल्कुल ऐसा दिखता है कि नहीं। और मान लो कि टॉप व्यू होता तो मेरे ख्याल से बस एक लाइन जैसा दिखता है ना। इसी तरह से आप समझ सकते हैं। द बलून वेंट अप एंड अप। बलून ऊपर और ऊपर उड़ता गया और गप्पू केप्ट वॉन्डरिंग हाउ बिग द वर्ल्ड इज़। और गप्पू आश्चर्यचकित होता रहा क्योंकि उसने दुनिया को तो नीचे से देखा था, उसको हर चीज़ पास से दिखती थी, बहुत बड़ी बड़ी दिखती थी, साइड व्यू से देख पाता था, फ्रंट व्यू से देख पाता था। फ्रंट व्यू मीन्स सामने का नज़ारा और साइड व्यू मीन्स साइड यानी बाजू से देखने का नज़ारा। लेकिन अब वो टॉप व्यू यानी ऊपर से देख पा रहा था, तो वो देख रहा था कि कितनी बड़ी ये दुनिया है। नाउ He could see lots of houses, streets, road and buses. तो वो बहुत सारे घर, गलियां और रोड को देख सका। Wow! Is that the train looking like a long box from here? ऊपर से उसने जब ट्रेन को देखा, इस ट्रेन को जब बहुत दूर से देखा, तो उसको ये कैसे दिखी, जैसे कि छोटे छोटे डब्बे रखे, लंबे लंबे डब्बे रखे हुए हो बस। दीज कार्स एंड बसेस लुक सो स्मॉल फ्रॉम हियर, जस्ट लाइक टॉयज एंड पीपल लुक्स लाइक एंट। तो इतने ऊपर से उसको जो सारे कार बसेस हैं वो छोटी छोटी खिलौने वाली कार और बस होती ना, वैसे दिख रही थी, और लोग दिख रहे थे चींटियों के समान। सडनली देयर वॉज अ लाउड साउंड। लाउड साउंड का मतलब बेटा क्या होता है? लाउड साउंड का मतलब होता है तेज आवाज आई, फट। सोचो क्या हुआ होगा। द बलून बर्स्ट एंड स्टार्टेड फॉलिंग डाउन। बलून फूट गया और अब क्या हुआ, वो जो स्ट्रिंग को ये पकड़ा हुआ था उससे वो पकड़कर नीचे गिरने लगा, डाउन डाउन एंड डाउन। एवरीथिंग स्टार्टेड लुकिंग बिगर एंड बिगर। अब जो सब छोटा छोटा बहुत ऊपर से दिख रहा था, धीरे धीरे जैसे वो नीचे गिरने लगा तो उसको सब बड़ा बड़ा और बड़ा दिखने लगा। और वो कैसे गिरा पता है? धप करके गिरा। गप्पू फेल ऑन द रेलवे ट्रैक। और इतना बुरा हुआ कि गप्पू गिरा कहाँ, रेलवे ट्रैक पर गिरा। और ही रेन टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम
द क्रूएल मोंटी। अब आपको तो पता है रेलवे ट्रैक पे वो मोटी बिल्ली थी मोंटी, तो उसने, अब बिल्ली को देखकर चूहा क्या करेगा, रन करेगा और अपने आप को बचाएगा। तो अपने आप को वो बचाने लगा, बचाने के लिए ही रेन टू सेव हिमसेल्फ, हिमसेल्फ मीन्स खुद को, तो वो खुद को बचाने के लिए दौड़ने लगा, दौड़ा। हु रेन आफ्टर गप्पू एंड द अदर रेड्स ऑन द रेलवे ट्रैक। गप्पू के पीछे वो जो मोटी क्रूएल मोंटी कैट थी ना, वो दौड़ने लगी, और गप्पू और बाकी के चूहे भी रेलवे ट्रैक पर जो थे वो भी भागने लगे। When गप्पू saw the railway track from above, it looks like this। तो देखो ऊपर से आपको टॉप व्यू आपको ये इस तरीके से दिखाया है कि गप्पू कैसे भाग रहा है और उसके पीछे मोंटी कैसे दौड़ रही है।